पढ़ेंगे हिंदी में वर्ण, जिस प्रकार हम लोग अंग्रेजी में अंग्रेजी का शुरुआत ABCD से करते हैं, उसी तरह हिंदी का शुरुआत हम लोग वर्ण से करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ आ ई को शामिल करते हैं, यानी कि अ आ ई को शामिल करते हैं, और व्यंजन वर्ण में क ख ग से लेकर य र ल ओ तक को शामिल करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसे बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर वर्ण जो है वैसे वर्ण को कहते हैं जिसके बोलने में सबसे कम समय लगता हो, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, अ से लेके औ तक, यानी अ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रसु दीर्घु री ए ऐ ओ और औ। अंग और अह को इसमें काउंट नहीं करते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है अ से लेके औ तक। तो आप बोलेंगे कि सर अंग और अह क्या होता है, तो अंग और अह जो है अयोगवाह होता है, वह ना स्वर है और ना ही उसको व्यंजन में हम लोग काउंट करते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है अ से लेके औ तक। स्वर वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है, हरस्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें अ हर्ष ई हर्ष उ और री को हम लोग हरस्वर में काउंट करते हैं। वैसे ही हम लोग दीर्घ स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, जिसमें आ दीर्घी और दीर्घ उ को हम लोग गिनते हैं, यानी कि हम लोग अभी पढ़े हैं हरस्वर दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर, यानी स्वर वर्ण के तीन भेद, हरस्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें हरस्वर में अ हरस ई हरस उ और री को काउंट करते हैं। अब रह गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ दीर्घी और दीर्घ उ को लेते हैं। अब तीसरा हो गया संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ और औ को हम लोग लेते हैं। अंग और अह को हम लोग अयोगवाह में काउंट करते हैं, जैसा कि हम लोग अभी बताए हैं। अब दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, जैसे क बोलते हैं तो क में अ भी आता है आवाज। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, या व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो गया उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम लोग क से लेके म तक काउंट करते हैं, यानी कवर्ग से लेके पवर्ग तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब तीसरा हो गया उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन में तालाब स मूर्धन्य स दंत स और ह को काउंट करते हैं। उष्ण मतलब गर्मी, यानी कि तालाब स मूर्धन्य स दंत स और ह को बोलते हैं तो उसमें गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका उष्ण व्यंजन भी नाम पड़ गया। अब हम लोग कहेंगे कि आप लोग बताएंगे कि सर आप लोग ह तो बता दिए लेकिन छह तरह ज्ञ क्या है। तो छह तरह ज्ञ को संयुक्ताक्षर में काउंट करते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन के नाम से भी उसको हम जानते हैं, संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन के नाम से हम सभी उसको जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही इसको हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि छह हो गया तो क और स को मिलाकर छह बनता है, तरह हो गया त और र को मिलकर तरह बनता है, इसी तरह गिया है ग और या को मिलकर गिया बनता है। ठीक है, तो हम सभी पढ़ लिए आपको स्वर वर्ण और व्यंजनों की समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग व्यंजन वर्ण के वर्णों का जो है उच्चारण स्थान हम लोग समझेंगे। कवर्ग, कवर्ग यानी क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग तक, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो गया, चवर्ग कहे तो च छ ज ज य, तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो गया। और टवर्ग, टवर्ग यानी कि ट ठ ड ढ और जिसको न भी कहते हैं,
तो टठ डढ़ का उच्चारण स्थान जो है हमारा मूर्धा हो गया, और तवर्ग तथ दद न, तथ दद न का जो है उच्चारण स्थान जो है सो दांत हो गया। त और द दोनों तथ दद में पड़ता है, तो उसका हम लोग याद कर लेंगे, तथ दद न का उच्चारण स्थान दांत दंत हो गया, यानी दांत उच्चारण स्थान उसको हम लोग कहेंगे। और उसके बाद हो गया पफ ब म, प फ ब भ म हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारा दोनों ओठ क्या हो रहा है, सट रहा है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। पफ ब म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, और नाम से ही है तालाबे स मूर्धन स दन स, यानी कि तालाबे स का उच्चारण स्थान तालाब हो गया, मूर्धने स का मूर्धा, और दंती स का दंत हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वर्ण समझ में आ गया है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण में अ से लेके अ आ ई क ख ग घ यरलव दोनों आता है। वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं, जिसको बोलने में अधिक समय लगे या जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के तीन भेद, हरस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। वैसे ही व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान। कवर का उच्चारण स्थान कंठ, चवर का उच्चारण स्थान तालु, टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर का उच्चारण स्थान दांत, और पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। अब आप सभी को वर्ण जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।